क्या, क्या रेडी है प्रेड़ी समर, समर ग्लो अचीव ग्लो चीव करने चीव के लिए प्रेरणा समर में ग्लो नहीं पसीना आता है बहुत सारा ऑयल आता है और अल्टीमेटली आते हैं बहुत सारे पिंपल्स तो अगर आपकी भी ये समस्या है तो आज मैं आपके साथ एक इट योर सेल्फ क्रीम प्रिपेयर कर रही हूँ जो कि आपके चेहरे पर एक्सेस ऑयल को एड्रेस करता है चेहरे पर पिगमेंटेशन हाइपर पिगमेंटेशन किसी भी तरह की परेशानी क्यों ना हो उनको एड्रेस करता है अब आप कहेंगे एक मॉइस्चराइजर से इतनी सारी चीजें एक्सपेक्ट करना सही होगा क्या प्रेरणा जी बिल्कुल होगा मैं पहला नहीं तीसरा बैच अपने लिए प्रिपेयर कर रही हूं मेरी मार्केट बेस्ड क्रीम जो कि पिछले महीने खत्म हो जानी चाहिए थी वो आने वाले तीन चार महीने और चलने वाली है तो अगर आप भी रेडी हैं अपने करंट मॉइस्चराइजर को विश्राम देने के लिए और इस गजब के डू इट योर सेल्फ क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए तो आइए जानते हैं हाउ टू अचीव दैट समर ग्लो वंडरफुल एंड अमेजिंग पीपल प्रेजेंट ओवर हियर आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ हैं खुश हैं और चल रहे ग्रीष्म काल में अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे हैं बॉडी को हाइड्रेट रखना बैलेंस डाइट लेना किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बरतना और अपने लिए एक्सरसाइज करते रहना बहुत आवश्यक है इन चीजों का कोई सब्सिट्यूट नहीं है इसीलिए अगर आप अपनी स्किन अच्छी रखना चाहते हैं तो इन सभी चीजों के लिए बहुत अलर्ट हो जाइए आज मैं आपके साथ एक क्रीम प्रिपेयर कर रही हूं जो कि बहुत सारी परेशानियों को एड्रेस कर सकता है आपके चेहरे पर कोई भी समस्या है बार बार ब्लैक हेड से जाते हैं व्हाइट हेड है से जाते हैं या पिगमेंटेशन की परेशानी है या किसी भी तरह से कोई भी टेक्सचर रिलेटेड इशू आपकी स्किन पर है ये क्रीम उसको एड्रेस कर सकती है बहुत आसानी से बहुत ग्रेजुअली और वंडरफुल रिजल्ट आपको दे सकती है सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए मल्टीपल चीज़ों का इस्तेमाल होने वाला है अगर फिलहाल आपके पास ये चीजें नहीं हैं तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप सभी चीज़ों को एकत्रित कर लीजिए फिर इसका प्रिपरेशन शुरू कीजिए लेकिन अगर आपके पास एक या दो चीज़ फिलहाल नहीं है तो आई वुड से कि आप प्रिपेयर कर लीजिए ऐसे ही स्टार्ट कीजिए और उसके बाद नेक्स्ट बैच के लिए प्लीज़ मेक श्योर कि सारी चीज़ें आपके पास हों यहाँ पर यूज़ होने वाली सभी चीज़ों का विकल्प मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी कई बार आपको लिंक देते समय वो प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होता इसीलिए जो सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है वो मैं आपको दे देती हूँ तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं हर चीज़ सभी को सूट नहीं करती है इसीलिए हमेशा पहले पैच टेस्ट लीजिए और उसके बाद इन चीज़ों को चयन कीजिए ट्राई कीजिए अपने लिए देखिए कि कैसा बिहेव कर रहे हैं एंड आई वुड से यूल बी रियली कॉन्फिडेंट और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे तो हमारी इस क्रीम को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ ड्राई पाउडर्स लेने हैं जिनको हम डिस्टिल्ड वाटर में इन्फ्यूज़ करेंगे और उनकी जो पावर पैक्ड न्यूट्रिशन है उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो इसके लिए आपको एक बोल में सबसे पहले लेना है एक चम्मच चंदन पाउडर यानी कि सैंडलवुड पाउडर टू आई नीड टू से एनीथिंग अबाउट सैंडलवुड पाउडर इन द समर सीजन अगर आप चंदन पाउडर का सेवन भी करते हैं तो आपका शरीर ठंडा रहता है गर्मी से होने वाली कोई भी समस्या आपके शरीर को होती ही नहीं है और टॉपिकल एप्लीकेशन आपकी त्वचा को टेम्परेचर सन पल्यूशन किसी भी तरह के डैमेज से प्रोटेक्ट करता है चंदन की ताकत अगर कभी आप चेक करना चाहें तो मात्र चंदन को पानी में मिला के इसी घोल को लगा कर देख लीजिए और आप हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से आपकी स्किन के अंदर जितना भी इन्फ्लेमेशन होता है वो यूं गायब हो जाएगा पर भाई हम तो लालची हैं सिर्फ चंदन से काम नहीं चलेगा हम और भी मल्टीपल बेनिफिट्स अपनी स्किन के लिए चाहते हैं इसके लिए आपको सेकेंड इंग्रेडिएंट लेना है दैट इज़ वन टेबल स्पून ऑफ बीट रूट पाउडर अगर आपके पास साक्षात चुकंदर अवेलेबल है तो ग्रेट कीजिए ग्राइंड कीजिए जैसे मर्जी जूस एक्सट्रैक्ट कीजिए और दो से तीन बड़े चम्मच बीट रूट जूस आप यहाँ पर ले लीजिए जिनके पास नहीं है वो पाउडर ऑर्डर कर सकते हैं और एक, एक चम्मच बीट रूट पाउडर यहाँ पर ले सकते हैं इसके बाद आपको लेना है हाफ अ टेबल स्पून ऑफ बेंटनाइट ले यानी कि मुल्तानी मिट्टी अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं लेकिन ऑयली स्किन वाले इस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं क्योंकि आपकी त्वचा जो रेगुलेटेड हो जाएगी जो मैनेजेबल हो जाएगी जो ऑयल एक्सेस प्रोड्यूस नहीं करेगी यू विल बी सरप्राइज्ड तो इसको डेफिनेटली लीजिए ऑयली स्किन वाले और स्किप कर सकते हैं ड्राई स्किन वाले इसके पश्चात आप इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर अगर रोज डिस्टिल्ड वाटर यानी कि गुलाब जल है तो नथिंग लाइक इट क्योंकि ये कमाल करता है आपकी त्वचा के लिए स्पेशली इन दिस समर सीजन आपकी स्किन कमाल की हो जाती है आप इसको सिर्फ एज अ टोनर भी यूज करके देख सकते हैं कि क्या मैजिक ये कर सकता है तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए जब तक ये पेस्ट ना बन जाए और उसके पश्चात आप और रोज वाटर यहाँ पर ऐड करेंगे अब देखिए अगर आप एक्जैक्टली पूछें तो अप्रोक्सीमेटली पाँच से छः चम्मच आपको यहाँ पर गुलाब जल चाहिए क्योंकि एक हमें एकदम तरल सा पेस्ट चाहिए जिसको हम आगे चलकर छानने वाले हैं जी हाँ तो छानने के लिए कुछ तो होना चाहिए ना तो थोड़ा सा आप इसको लिक्विड ही बनाएंगे और 10 से 15 मिनट के लिए साइड रख देंगे 10 से 15 मिनट के पश्चात आप इसी तरह लिक्विड को लेंगे और किसी भी मसलिन या कॉटन क्लॉथ जो भी आपके पास अवेलेबल है इससे छान कर ले लेंगे तो अब ये जो गोल्डन सा हमारे पास इनफ्यूज डिस्टिल्ड वाटर आया है इसके अंदर वो सारे के सारे गुण हैं, वो पावर है कि आपकी त्वचा पर हो रहे किसी भी परेशानी को ये एड्रेस करना स्टार्ट कर सकता है और विद इन फ्यू एप्लीकेशन आपको दिखा सकता है दैट इट इज डूइंग वंडर्स फॉर योर स्किन तो यहां पर जब आप इसको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लें इसके बाद अब आपको इसमें लेना है पिंच ऑफ वाइल्ड टर्मरिक अगर आपके पास फिलहाल नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं पर कोशिश कीजिए कि आप इसको अवेलेबल यू नो हाउ ले आए कहीं ना कहीं से क्योंकि वाइल्ड टर्मरिक आपकी स्किन को सक्षम बनाती है कि कोई भी परेशानी कोई भी समस्या जो आपकी स्किन पर आए तो आपकी स्किन उससे खुद ही लड़ सके जी हाँ हर बार आपको कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट या क्रीम ना लगानी पड़े उसको फिक्स करने के लिए तो अपनी स्किन को सशक्त बनाने के लिए वाइल्ड टर्मरिक टाइम टू टाइम आप अपनी स्किन को डेफिनेटली दिया कीजिए नेक्स्ट आपको इसमें लेना है अप्रॉक्सिमेटली हाफ अ टेबल स्पून ऑफ कैस्टर ऑयल ऑयल देखिए यहां ऑयल है लेकिन ये क्रीम बिल्कुल चिपचिपी नहीं होगी किसी भी प्रकार से आपको यू you नो know, वो चिपचिप चिप सेंसेशन ऑयली सेंसेशन फील ही नहीं होने वाला है जिन्होंने कैस्टर ऑयल यूज किया है जरा कॉन्फिडेंस दीजिए हमारी फैमिली को कि कैस्टर ऑयल आपकी स्किन का जो सीबम प्रोड्यूस होता है जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको रिजेंबल करता है एंड आपकी स्किन इज वेरी कंफर्टेबल अबाउट इट इसमें आपको कोई भी सेकेंड थॉट लेने की जरूरत नहीं है कि आपकी स्किन इससे परेशान नहीं होगी अगर इफ़ ऑल आप ड्राई स्किन वाले कोई जन हैं तो प्लीज आप ट्राई कीजिएगा आई एम प्रिटी श्योर कि आप जब इस क्रीम को यूज करेंगे तो आपको लगेगा थोड़ा सा मॉइस्चर कंटेंट और हो सकता था तो यहां पर आप इस ऑयल को वन टेबल स्पून भी कर सकते हैं जस्ट बिलीव मी बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी और आपकी स्किन बहुत बहुत कम्फर्टेबल होगी इसके लिए इसके पश्चात आप यहाँ पर लेंगे अप्रॉक्सीमेटली दो से तीन बड़े चम्मच एलोवेरा जेल जो एलोवेरा जेल है वो सभी के घर में अलग अलग ब्रांड्स के अवेलेबल हैं और उनकी जो लिक्विडिटी होती है वो अलग अलग होती है तो कैसी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए उसके हिसाब से आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं एलोवेरा जेल को एप्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम अगर आप एलोवेरा जेल के लिए कम्फर्टेबल नहीं है तो आप फ्लैक्सीज जेल ले सकते हैं आप कॉर्न स्टार्च को पानी में अच्छे से घोल के इसको हल्का सा उबाल सकते हैं इसको एज अ बेस ले सकते हैं ताकि वो जेल uh, कंसिस्टेंसी हमें मिले और उसको हम यूज़ कर सकें कॉर्न स्टार्च लेते हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि छोटे छोटे से ग्रैनुल्स एप्लीकेशन के बाद यू uh, नो you know, आते हैं उसको आपको झाड़ना पड़ता है तो प्लीज़ सोचिए समझिए मुझे एलोवेरा जेल बहुत ज़्यादा सूट करता है इसीलिए मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम वही बेस लेती हूं आप डेफिनेटली चेंज कर सकते हैं और अच्छे से इसको मिला लीजिए आपके घर में अगर विस्कर है तो आप अच्छे से विस्क कर लीजिए हैंड ब्लेंडर है तो अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए जैसे आप कंफर्टेबल हैं आप इसको मिला लीजिए देखिए यहां पर हमने ऑयल एंड लिक्विड्स का इन्फ्यूजन किया है जो कि एक साथ कभी भी मिलेंगे ही नहीं राइट तो हमेशा छोटे बैचेस बनाइए अगर ज्यादा बड़ा बैच बना रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि बीच बीच में दो चार दिन में आप इसको अच्छे से विस्ट कर लीजिए दोबारा ताकि सारी चीजें एकसार हो जाएं और आपका एप्लीकेशन बहुत बहुत स्मूथ हो तो जैसे ही आप सारी चीजों को एक सार कर लेंगे आपकी कमाल की क्रीम बनकर रेडी हो चुकी है जो कि मैजिक करने वाली है आपकी स्किन पर आप इसको किसी भी क्लीन कंटेनर में स्टोर कर लीजिए जरूरी नहीं है कि आपको नया ही लाना है घर में कोई खाली डिब्बी हो आप उसमें स्टोर कर लीजिए एंड इसका एप्लीकेशन आप इमीडिएटली जिस दिन बनाते हैं उसी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं लेकिन आप इस पर्टिकुलर क्रीम का मैक्सिमम यूजेज अपनी स्किन के लिए कैसे कर सकते हैं इसके लिए अब आप मैं आपको एप्लीकेशन एक्सप्लेन कर रही हूं फर्स्ट स्टेप नंबर वन ऑब्वियसली आप अपने चेहरे को अच्छे से वॉश करेंगे गंदे मुंह पर कोई क्रीम कुछ भी नहीं लगाया जाता है तो अच्छे से वॉश करने के पश्चात स्टेप नंबर टू आपको चाहिए ठंडा पानी अगर आपके पास बहुत ठंडा पानी ऑलरेडी है तो आप सीधा उसी से यू you नो know, अपनी स्किन को अच्छे से स्प्लैश कर सकते हैं अगर नहीं है तो आप पानी में बर्फ़ डाल लीजिए थोड़ी सी थोड़ा ठंडा होने दीजिए और अपना चेहरा इसमें डंक कीजिए बिलीव मी आप हैरान हो जाएंगे कि आपकी स्किन जो है पोर्स एक तो बिल्कुल क्लोज हो जाते हैं आपकी स्किन बहुत रेडियंट लगती है बहुत वाइब्रेंट लगती है और इसके ऊपर जब आप हमारी क्रीम को लगाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि भाई ये तो पार्टी फंक्शन में जाने से पहले वाला ट्रीटमेंट है एंड जेनविनली आपको ये लगेगा ये आपको चाहे तो आप फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जब आप सुबह यूज कर रहे हैं मॉइस्चराइजर तब कर सकते हैं टाइम नहीं है तो आप रात के समय कर लीजिए अच्छे से अपने चेहरे को यू you नो know, एकदम ठंडा करके पैड ड्राई करेंगे और इस क्रीम का एप्लीकेशन इसके ऊपर करेंगे अगर कंसिस्टेंसी आपकी पतली हो जाती है तो आप इसको सीरम समझ लीजिए बहुत क्रीमी हो जाती है तो आप इसको क्रीम समझ ही रहे हैं आप इसको जो नाम देना चाहें आप दे सकते हैं हमें इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पर मेन जो चीज़ है ना वो आपकी स्किन पर डिपोजिशन है जो कि हम यहाँ कर रहे हैं और अच्छे से अपनी स्किन को वो न्यूट्रिशन लेने दीजिए आई वुड सजेस्ट कि आप रात के समय इसको करें ताकि मैक्सिमम टाइम ये आपके चेहरे पर रह सके जब आप इसके लिए कंफर्टेबल हो जाएं, आप जब चाहे इसको यूज कर सकते हैं एप्सिल्यूटली नो प्रॉब्लम एंड धीरे धीरे आपको दिखेगा कि आपकी स्किन बहुत 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 कमाल की होती जा रही है जो भी समस्याएं हैं वो एड्रेस हो रही हैं आई वुड नॉट से कि एक एप्लीकेशन में आपकी ढाइयां चली जाएंगी दैट्स नॉट पॉसिबल लेकिन आप इसको रेगुलरली करते रहेंगे डिसिप्लिन रहेंगे तो आपको विजिबल चेंजेस डेफिनेटली दिखेंगे आई कैन एश्योर यू दैट ये मैं अपने कॉन्फिडेंस से कह रही हूं बिकॉज ये जो इंग्रीडियंट्स हैं ये कभी भी कभी भी आपको दुखी नहीं करेंगे बिना रिजल्ट दिखाए प्रोवाइडेड आप इन पर विश्वास करें और डिसिप्लिन वे में इसको फॉलो करते रहें क्रीम के प्रिपरेशन एंड एप्लीकेशन एंड स्टोरेज के अराउंड अगर आपको कुछ प्रश्न है तो मैं उनको यहाँ एड्रेस कर देती हूँ बच्चे इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं हमने कोई ऐसी चीज़ यूज़ नहीं करी है कि बच्चे यूज ना कर सकें घर परिवार में दादाजी से लेके और वो छोटे से बच्चे तक सब लोग यूज़ कर सकते हैं एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम देर इज नो साइड इफेक्ट दैट आई कैन पॉइंट क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यूज हुई हैं और अगर आपको नहीं पता है कि इनमें से कोई भी एक चीज़ अगर आपको सूट नहीं कर रही है तो पूरा का पूरा जो हमारा मिक्सचर है वही ब्लेमेबल हो जाएगा तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इंडिविजुअली एक एक चीज़ के लिए कंफर्टेबल हैं यूज कर चुके हैं या पैच टेस्ट ले लीजिए एंड देन गिव इट अ ट्राई अगर आपको ऐसे जन है जिनको डाउट रहता है कि पता नहीं काम करेगा या नहीं करेगा तो थोड़ा सा प्रिपेयर कीजिए पैच टेस्ट लीजिए कंफर्टेबल एंड कॉन्फिडेंट हो जाइए एंड देन गिवर ट्राई क्योंकि कॉन्फिडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्ग्रीडियंट है हर एक डी आई वाई रेमिडी का अगर हम बात करें स्टोरेज की तो अगर आपके पास रेफ्रिजरेशन uh, का प्रोविजन है तो प्लीज़ रेफ्रिजरेट कीजिए कोई डाउट दिमाग में मत रखिए लेकिन अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो आप इसको पानी में स्टोर करके रख सकते हैं बट आई वुड सजेस्ट कि आप छोटे बैच्स बनाइए एक से दो हफ्ते विदाउट सनलाइट लाइक जहां पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं है ये आराम से सस्टेन कर सकता है और कोई परेशानी कोई चेंजेस इसमें नहीं होंगे इसमें अपने आप से कोई खुशबू नहीं है आप जो इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं उनका जो स्मेल होगा वही मैक्सिमम हो सकता है मैंने यहाँ सारी न्यूट्रल चीज़ें ली हैं जिनमें कोई स्मेल नहीं था सच तो ये बिल्कुल ब्लैंड सा स्मेल कर रहा है कोई स्मेल नहीं है इसमें हाँ अगर कोई चीज़ फाउल हो जाती है तब आपको इसमें से स्मेल आएगी तो थोड़ा सा आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हैं अगर रेफ्रिजरेट नहीं कर रहे हैं तो अदरवाइज एक से दो हफ्ते ये आराम से बाहर रह सकता है कोई परेशानी नहीं है रेफ्रिजरेट करेंगे तो डेफिनेटली ये आपको एक से दो महीने आराम से चलेगा नो वरीज बट आई सजेस्ट छोटे छोटे बैचेस बनाइए इन्जॉय कीजिए फ्रेश इंग्रीडियंट्स का एप्लीकेशन एंड देन फ्रेश प्रिपेयर कीजिए सो माय वंडरफुल पीपल कैसी लगी आपको प्रस्तुति नीचे लिखकर हमें अवश्य बताइएगा आई वुड लव टू हियर इट फ्रॉम ऑल ऑफ यू अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो देख चुके हैं क्या क्या मैजिक यहां होते हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मैं आप सभी से मिलती हूं अपने अगले वीडियो में टिल देन टेक रियली गुड केयर ऑफ योर सेल्फ और हमेशा याद रखिए यू आर एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल